और ये देख सकते हैं आप संता मार्ता की एक स्पेशल स्ट्रीट में हूँ और यहाँ पर टूरिस्ट ही एरिया है। संता मार्ता कल पहुँचा हूँ, कल रात 3 राइड्स के स्टे है। बोगोटा से संता मार्ता की 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। ये कोस्ट टाउन है तो ये गर्म है, यहाँ पे तकरीबन 28-30 डिग्री टेम्परेचर है। बोगोटा में बहुत ठंड थी, अराउंड दोपहर में 17-18 होता था, तो डिफरेंट क्लाइमेट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचें, यहाँ पे मेक श्योर कि आप नॉर्मल टैक्सीज को अवॉइड करें। एक तो वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, दूसरा वो आपको जो है ना थोड़ा सा डॉजी भी होता है। तो अगर आपके पास ऊबर है, यहाँ संता मार्ता में ऊबर नहीं चलती, बोगोटा में चलती है, नहीं तो एक ऐप है इन ड्राइव जो लैटिन अमेरिका में काफ़ी चलती है। इन ड्राइव यूज़ करें और मेक श्योर कि आपका जो आप बुक करें टैक्सी या जो इन ड्राइव बुक करें वो आपके उसकी नंबर प्लेट्स मैच करें। तो ये संता मार्ता बीच है और ये इसके साथ साथ वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, यहाँ भी आ सकते हैं, बट ये एक कॉमन बीच है। एक दूसरे बीच जाएंगे हम लोग, तकांगा उसका नाम है, तो वो मैं आपको जाके दिखाऊंगा। वो मेन है, सिटी सेंटर में ही है, इधर ही करीबी होटल भी है। दोस्तों ये लुकआउट है तकांगा बीच। अच्छा, ये जो आप सी देख रहे हैं कैरेबियन सी है, पैसिफिक ओशन में भी गया था बट ये कैरेबियन सी आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है। ये लुकआउट है और अभी वहाँ नीचे जाना है जो एक्चुअल बीच है प्लाजा बीच को कहते हैं, तकांगा प्लाजा। नीचे आके भी आपको दिखाता हूँ। फिर इसे पहुँच चुका हूँ बीच पे, आप देख सकते हैं सीन्स, बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं यहाँ पे और ये सामने बीच है, लॉन्चेस भी हैं जिससे आप डिफरेंट रूट टूर्स में जा सकते हैं। कल मैंने बताया एक बड़ा टूर है तो आई कीप दैट सेफ फॉर नाउ। सो ये जी दोस्तों बीच तकांगा। अच्छा, कैरेबियन वाटर जो है ना सर गर्म होता है तो बड़ा अच्छा होता है स्विम करने के लिए। ये बीच इतनी साफ़ नहीं है जितनी कल जो बीचेस में जाएंगे वो है। इधर बस थोड़ा सा टाइम भी शाम का हो गया है, बस अभी थोड़ा सा इसको एंजॉय करेंगे सनसेट, उसके बाद आपको खाते और चीज़ें। दोस्तों ये बोट लेकर एक दूसरे बीच पर जा रहा हूँ, प्लाजा ग्रांदे, ये वाला ये बीच ग्रांदे बीच है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर पानी ज़रा ज़्यादा साफ़ है और ज़्यादा अच्छी वहाँ पे बीच है, तो मैंने कहा चले ठीक है उधर जा रहे हैं। ये दोस्तों देखिए सीन्स हैं, बहुत ही खूबसूरत बीच है, पानी भी साफ सुथरा है। बट आपको कल वो बीच दिखाऊंगा जो कोलंबिया की संता मार्ता की सबसे क्लीन बीच है। बट दिस वन वेरी गुड इज देयर, आप देख सकते हैं पानी शायद वीडियो में इतना नहीं नज़र आ रहा लेकिन बहुत क्लियर वाटर है, इट्स रियली रियली नाइस। खैर अभी सनसेट इंजॉय करते हैं, फिर आप लोगों को आगे कुछ चीज़ों की तो दिखाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सनसेट दोस्तों इंजॉय करें, लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। दोस्तों देखिए संता मार्ता का सेंटर, सनसेट का टाइम है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं आई थिंक इसके साथ पिक्चर लेने के लिए। छुर्रे के वेदो गाइस, ये जगह है डाउनटाउन में, छुर्रे के वेदो पॉपुलर टूरिस्ट जगह है, पुराना बहुत पुराना बना हुआ है। और जा रहे हैं हम छोटी छोटी स्ट्रीट से, थोड़ा सा डेंजरस है जगह, तो बी केयरफुल। कुछ चीज़ यहाँ पे लोकल शोकल कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, सब लोकल और ट्रेडिशनल जगह है बट वेरी डेंजरस, तो बी केयरफुल।